आइए करवा चौथ की एक संपूर्ण सरल विधि जान लेते हैं। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर करवा की पूजा आराधना करके उसके साथ भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की, मां पार्वती की, भगवान गणेश की, कार्तिकेय की, मां संतोषी की पूजा का विधान है। क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, तो पार्वती के समान, मां पार्वती के समान अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए करवा चौथ के दिन भोलेनाथ की और मां पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। संकल्प क्या है? हाथ में जल ले लिए, अक्षत ले लिए, मम सुख सौभाग्य पुत्र पोत्रादि सुस्थिर शी प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। इस संकल्प के पश्चात में करवा चौथ व्रत पाठ पूजा आरंभ होती है। अपने पति की लंबी आयु, पति का उत्तम स्वास्थ्य और अपने अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प कीजिए, यथाशक्ति निराहार रहे। शाम के समय पूजन स्थान पर एक साफ लाल कपड़ा बिछाकर बाजोट ले लीजिए। बाजोट पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, भगवान श्री गणेश की स्थापना करें, रिद्धि सिद्धि की स्थापना करें, षष्ठी देवी की स्थापना करें, मां संतोषी की स्थापना करें। पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा भी रखें, उस करवे में थोड़ा धान, एक रुपए का सिक्का रखें और उसके ऊपर लाल कपड़ा रखें। सभी देवताओं का पंचोपचार पूजन करें। ओम शिवाय नमः से मां पार्वती का, ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ का, ओम षणमुखाय नमः स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः भगवान गणेश का, ओम सोमाय नमः भगवान चंद्रमा का इस मंत्र से पूजन करें। लड्डुओं का भोग लगाएं, करवे पर 13 बिंदी रखें, गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुनें या बोलें। कथा सुनने के पश्चात में भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो भगवान चंद्रमा का पूजन करें, अर्घ प्रदान करें, उसके पश्चात अपने पति के चरण छुएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं। पति की माता अर्थात अपनी सासू जी को अपना करवा भेंट करके आशीर्वाद दें। यदि वो जीवित ना हो तो परिवार के किसी अन्य सुहागिन महिला को करवा भेंट करें। इसके पश्चात